शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि शुरू के 8 में से 7 मैच हारने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ऐसी जबरदस्त वापसी करेगी कि डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ से पहले ही बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। अपने आखिरी लीग मैच में बैंगलोर ने जबरदस्त अंदाज में चेन्नई को 27 रनों से हराया और प्लेऑफ का टिकट कटाया। यहां तक कि इस बार एमएस धोनी भी बैंगलोर से ये जीत छीन नहीं सके हैं। इसके उलट धोनी की छोटी लेकिन तेज तर्रार पारी ने तो अनजाने में ही आरसीबी की मदद कर दी, जिसमें इस सीजन के सबसे लंबे छक्के का हाथ रहा जो धोनी के बल्ले से ही निकला है। बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच में चेन्नई को कम से कम 18 रनों के अंतर से हराने की जरूरत थी। आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 218 रन भी बना दिए। इसके बाद चेन्नई मुसीबत में फंसती हुई दिख रही थी। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की और टीम को क्वालिफिकेशन के करीब लेकर आए। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को 17 रन बनाने थे, जिसमें वो हार के बावजूद क्वालिफाई कर सकती थी। बस इस ओवर की पहली गेंद ही चेन्नई पर भारी पड़ गई। 20वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर थे और उनके सामने थे अनुभवहीन तेज गेंदबाज यश दयाल। दयाल की पहली गेंद को धोनी ने लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए पहुंचा दिया। ये सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही नहीं बल्कि छत को पार करते हुए गेंद स्टेडियम के बाहर पहुंच गई। ये 110 मीटर लंबा छक्का था जो इस सीजन में एक रिकॉर्ड है। इसने सीएसके को उम्मीद दिलाई क्योंकि 5 गेंद में अब 11 रन ही चाहिए थे। पिछले साल एक मैच में ऐसे ही कोलकाता नाइट राइडर्स के रिंकू सिंह ने यश दयाल पर आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जमा कर जीत दिलाई थी। ऐसे में यश दयाल के मन में और करोड़ों फैंस के मन में भी वो डर फिर समा गया था, लेकिन यहीं पर धोनी के छक्के ने आरसीबी की मदद कर दी। अब आप भी सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, तो असल में बात यह है कि धोनी के शॉट के कारण गेंद बाहर चली गई। ऐसे में अंपायरों को दूसरी बॉल मंगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और यह दयाल के लिए फायदेमंद रहा। पिछली बॉल गीली होने लगी थी जो गेंदबाजी के लिए काफी मुश्किल साबित हो रही थी। बेंगलुरु ने तो कई बार इसे बदलने की अपील भी की थी लेकिन अंपायर ने उसे ठुकरा दिया था। अब बदली हुई गेंद एकदम सूखी और इसका फायदा दयाल ने स्लोअर बॉल और यॉर्कर के सटीक इस्तेमाल से किया है। छक्के के बाद अगली गेंद दयाल ने धीमी रखी जो एकदम परफेक्ट साबित हुई और धोनी का शॉट सीधे फील्डर के हाथ में गया। अब बची हुई 4 गेंद में भी दयाल ने ऐसी गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन देकर आरसीबी को न सिर्फ जिताया बल्कि प्लेऑफ में भी पहुंचा दिया। यहां तक कि मैच के बाद आरसीबी के विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने भी माना है कि मैच के दौरान सबसे बेहतरीन चीज ये हुई है कि धोनी का वो छक्का मारना और गेंद मैदान के बाहर चले जाना और उसके बाद हमें नई गेंद मिल जाना।